like a stone बीच में आना वापस होना. So they have asked the candidate to approach here. Then that man gave a proper invoice. So पता है ना invoice raise करके उसमें CGST SGST लगा के bank के through payment आप देख सकते हैं एक item में 8 लाख का खर्चा is almost 1/3. यूपी चुनाव को लेकर निर्वाचन आयुक्त अलर्ट मोड में है, तो वहीं आज वाराणसी के सर्किट हाउस में लखनऊ से आए निर्वाचन आयुक्त ने सर्किट हाउस में 8 विधानसभा के प्रेक्षकों व जिला निर्वाचन अधिकारी कौशला शर्मा व उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह के साथ पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ निर्वाचन के संबंध में मीटिंग की, तो वहीं उन लोगों को आने वाले 7वें चरण के विधानसभा में तैयारियों को पूर्ण करने का दिशा निर्देश भी दिया. तो वहीं मीटिंग में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरता जाए उसके लिए भी चर्चाएं चली. आज वाराणसी में बहुत सीनियर वरिष्ठ हमारे स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आए हैं, जिनको पूरे स्टेट की जिम्मेदारी दी गई है कि एक्सपेंडिचर जो कैंडिडेट्स और पार्टीज करती हैं उनका सारा लेखा जोखा रखा जाए. उन्हीं में से जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर ऑलरेडी 3 हैं वो उनके भी ऊपर सुपर ऑब्जर्वर बन के आए हैं. उन्होंने सभी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हम यानी DEO, इसके अलावा पुलिस और जितनी भी इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, चाहे बैंक हो, इनकम टैक्स हो, स्टेट CGST हो या हमारा सेंट्रल CGST हो, वो सारे प्रकार के अधिकारियों की आज बैठक की है. दोबारा से उनको बताया गया है. अब तक जो कार्रवाइयों में प्रगति लाई गई है उनकी जानकारी में दी गई है और कड़ाई से इन्फोर्समेंट आगे आने वाले 10 दिन में हो ऐसे निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं. किसी भी दशा में कोई कैंडिडेट खर्चा करते हों तो वो बुक होने से छूटे नहीं. बेसिक पर्पज़ यही था आज की मीटिंग का. इसी तरह कई जो डाउटफुल ट्रांजेक्शन बैंक के होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन होते हैं या कुछ सामग्री ला के फ्री में गिफ्ट के रूप में अगर वोटर्स को लुभाने के लिए लाई जा रही हैं या शराब, इल्लीगल शराब या फ्री की शराब बांटने की कार्रवाई हो रही है, तो उनको कैसे और प्रभावी बनाना है आज उनके द्वारा टिप्स दिए गए हैं. सभी अधिकारियों ने वो सुने हैं. कुछ एक्स्ट्रा भी टीम्स गठित करने के निर्देश मिले हैं, वो आज गठित की जा रही हैं. तो कुल मिला के आने वाले 10 दिनों में इलेक्शन की जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है या जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग है इसको और सशक्त करने की जो रणनीति है वो आज तैयार हुई है और आने वाले 10 दिन में वो लागू करा के वाराणसी में सारा कार्य कराया जाएगा. डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में. पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से. बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर.